हम आपको दिखाते हैं एक प्राचीन मंदिर, वास्तव में देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलते चलते प्रयागराज से जैसे हम चित्रकूट की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही हमें रास्ते में दिख जाता है एक प्राचीन मंदिर। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए इधर, आप बोर्ड पे निगाह डालिए, चंदेल कालीन विशाल मंदिर के अवशेष रामनगर। यह गांव है रामनगर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण झांसी मंडल झांसी संरक्षित स्मारक। एक बड़े तालाब, विशाल काय तालाब के किनारे यह सुंदर सा मंदिर जो पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ा हुआ दिख रहा है। तो आइए बढ़ के हम आपको दिखाते हैं और इसके बारे में आपको बताएंगे भी। तो अभी हम अंदर चलना शुरू किए हैं, आइए हम दिखाते हैं। इधर आप देखिए, यह चंदेल कालीन विशाल मंदिर रामनगर चित्रकूट। चंदेल काल में इस मंदिर का निर्माण एक बड़े तालाब के किनारे किया गया, जो कि अब भग्नावस्था में है। प्रवेश द्वार पर जैन प्रतिमा एवं एक पेड़ के नीचे ऊंचे चबूतरे पर वास्तुखंड एवं कुछ इस तरीके से खंडित मूर्तियां रखी गई हैं। तो इस तरीके से गणेश जी काली जी की अन्य मूर्तियां जो है तोड़ी गई हैं। तो आइए हम इधर दिखाते हैं आपको, टूटा हुआ बटे। इधर देखिए, यही विशाल काय मंदिर, और देखिए इधर जो मूर्तियां टूटी पड़ी हैं। ऐसे एक नहीं, चारों तरफ से जितनी मूर्तियां बनी हैं वह सब इसकी मुंडी तोड़ दी गई है। वास्तव में चंदेल कालीन के बाद किसका राज्य रहा, जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेजों के द्वारा तोड़ा गया, कि किसके द्वारा तोड़ा गया, यह वास्तव में क्लियर यहाँ लिखा तो नहीं है, और लेकिन मैं पूछने और जानने का लोगों से प्रयास करूँगा। लेकिन जितनी भी मूर्तियाँ हैं आपको दिखेंगी, वह सब मूर्तियाँ खंडित ही दिखेंगी। वास्तव में यह मंदिर बता रहा है, यह है जैन प्रतिमा। देखिए यही सबसे पहले जो गेट पे लगा जैन प्रतिमा, यह सुंदर सी मूर्ति, वास्तव में कितना सुंदर यह लग रहा है। वास्तव में यह देखकर भी लग रहा है कि कितना पुराना यह, कितनी पुरानी यह मूर्ति होगी। देखिए वास्तव में कितने कलाकार, कितने ही वास्तव में कहा जाए तो कलाकृतियां इसमें उकेरी गई हैं, और तब के ज़माने के वास्तव में कैसे मिस्त्री भी हुआ करते थे। आइए देखिए, अभी इसमें काम भी चल रहा है और कुछ लोग इसमें लगे भी हुए हैं, तो अब गढ़ाई चुनाई चल रही है इस समय। भैया नमस्ते, अब ये कहा हुआ चल रहा है काम? हाँ, ये मरम्मत का काम चल रहा है, वही जो टूटा फूटा है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो यह मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कि कोई मतलब विशेष? हाँ, गवर्नमेंट के द्वारा है इसका चल रहा है। वास्तव में ऐसी धरोहरों को संरक्षित करना और सुरक्षित रखना हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। यह पुरातत्व विभाग में वैसे इसको शामिल भी किया गया है कि यह विशाल काय मंदिर और जो पूरी तरीके से ध्वस्त है, हमारे इतिहास की गवाही दे रहा है। तो कितना पुराना है भैया, कुछ जानकारी है आपको? जानकारी नहीं है ना, हम बाहर। अच्छा अच्छा, आप लोग बाहर के हैं? जी हाँ। और तो देखिए मिस्त्रियों के द्वारा किस तरीके से चुनाई किया जा रहा है, जैसे पहले के मिस्त्री थे, आज के भी मिस्त्री कम नहीं है। किस तरीके से इसको छीनी और हथौड़ी से थोड़ा थोड़ा करके इसको काट रहे हैं, इस तरीके से देखिए इसको बना रहे हैं। लेकिन धन्य हो सरकार, यह योगी सरकार कर रही है। KSI, ये कौन गवर्नमेंट? अच्छा, मोदी है केंद्र क्या? इसकी एक अलग वो होगी ना, गठन होता, इसकी संस्था होगी। हाँ, हाँ, सांस्कृत एक मंत्रालय है कहा जाए तो, केंद्रीय एक मंत्रालय है, सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा इसको जीर्णोद्धार किया जा रहा है, इसको बनाया जा रहा है। इतने देखिए सब भैया लोग आए हैं, सब कहाँ चित्रकूट जा रहे हैं आप लोग? सब चित्रकूट का दर्शन करेंगे। और इस समय भाई अब कल दीपावली है तो तमाम सब लोग निकले हैं। आइए हम दिखाते हैं इधर आपको कुछ और, यह सब मूर्तियाँ देखिए, सब टूटी फूटी मूर्तियाँ जो पड़ी हैं। वास्तव में यह सब हमारे इतिहास की गवाही दे रहे हैं कि कैसे किस तरीके से किस राजा के द्वारा यह बनाया गया और कितना सुंदर लग रहा है। आइए बढ़ के हम आपको दिखाते हैं, इधर भी आप देखिए थोड़ा सा।
इधर देखिए कितना सुंदर, अरे इतना सुंदर अलौकिक यहाँ का दृश्य है, वास्तव में मनमोहक, मन को मोह लेने वाला। इधर आइए दिखाता हूँ मैं, ये तालाब है जिस तालाब की मैं अभी जिक्र और चर्चा कर रहा था। यह तालाब है सुंदर सा तालाब जहाँ कमल गट्टा खिला हुआ है, कमल का फूल ढेर सारी संख्या में। वास्तव में इस तालाब विशालकाय तालाब के बगल में है सुंदर सा मंदिर। आइए मैं दिखाता हूँ आपको, इधर देखिए यह है नंदी बाबा, और इधर देख लीजिए। आइए मैं ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ आपको, यह कितना वास्तव में कैसे कैसे पत्थर विशालकाय पत्थर इसमें सब गढ़ के चुनाई करके इसमें लगाए गए हैं। देखिए इधर आइए मैं बढ़ के आपको दिखाता हूँ। वास्तव में आशा है आपको यह सब दृश्य देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए लाइए मैं इधर दिखाता हूँ आपको, इधर देखिए कितना अच्छा लग रहा है यह मंदिर। लेकिन वास्तव में पूरी तरीके से धराशाही और टूटा हुआ दिख रहा है, लेकिन इधर देखिए सब टूटा फूटा और हमारे इतिहास की गवाही दे रहा है किस तरीके से इसके मोटे मोटे पावे पिलर जो लगाए गए हैं, कितनी सुंदर इसमें एक गढ़ाई हुई है मिस्त्री के द्वारा। लेकिन कितना पुराना यह एक तरीके से कहा जाए तो लगभग उसमें लिखा गया है कि 1764 ईस्वी में इसका शायद निर्माण किया गया। तो इस तरीके से यानी कि बहुत ही प्राचीन मंदिर अब यह शंकर जी का शिवलिंग इसमें जो स्थापित किया गया है आप देख रहे हैं। इधर आप देखिए, इधर भी मैं आपको कुछ मूर्तियां दिखाता हूँ। और इस तरीके से इधर देखिए जो है कितनी बड़ी पटिया पत्थर का सिलापट इस पे रखा गया है। यह इधर देखिए, यह देखिए मूर्तियों की एक श्रृंखला, तमाम इसमें मूर्तियां जो बनाई गई हैं, इतना सुंदर यह मूर्तियों की श्रृंखला लग रही है देखिए आप। और लेकिन अधिकतर की मुंडी जो है, मैंने कहा कि सर जो है शरीर से अलग है यानी कि तोड़ा गया है, लेकिन किसने तोड़ा किसने बनवाया, जैन कालीन का यह मंदिर, चंदेल कालीन का यह विशाल काय मंदिर जो आप देख रहे हैं, वास्तव में यह भी इतिहास के धरोहरों में शामिल हुआ है और सुंदर सा यहाँ का नज़ारा। लेकिन मित्रों मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि जब भी आप चित्रकूट धाम की ओर बढ़िए तो थोड़ा सा ठिठक जाइए, थोड़ा सा अपने कदमों को रोक लीजिए और प्रयागराज से जैसे ही आप चित्रकूट की ओर बढ़िए तो हाईवे से लगा हुआ लगभग यहाँ से अभी चित्रकूट की दूरी 40 से 50 किलोमीटर के नियर है, लगभग इतनी दूरी यहाँ से चित्रकूट की है। लेकिन थोड़े से अपने पैरों को रोककर आप इस मंदिर के अवशेष जो बचे हैं, वास्तव में कितना सुंदर यह मंदिर का जो यह दृश्य है आप देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन आज मैंने इस वीडियो में जो आपको दिखाने का प्रयास किया, आशा है यह चंदेल कालीन विशाल काय मंदिर का जो अवशेष बचा हुआ है अंग्रेजों के द्वारा तोड़ा गया, कि किसके द्वारा तोड़ा गया यह तो कंफर्म नहीं है, लेकिन निश्चित ही यह देखकर आपको अच्छा लगेगा कि अपने इतिहास को गवाही दे रहा है और कितना सुंदर यह मंदिर का निर्माण किया गया है जो पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ा हुआ है। लेकिन अब सांस्कृतिक संस्था के द्वारा इसको पुनः जीर्णोद्धार किया जा रहा है, तो जो भी संस्था इसका जीर्णोद्धार कर रही है उनको भी बारंबार मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी तक हमारे वीडियो में जुड़े रहे इसके लिए आपको बारंबार शुभकामना, सादर नमस्कार।